सो फ्रेंड्स, अगर आप परेशान हैं अपने हेयर फॉल से और आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आपके बालों में बिल्कुल भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपके बाल झड़ रहे हैं, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल रही है नवरात्रि, आप सबको हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से मनाइए नवरात्रि। लेकर आई हूँ एक ऐसा ऑयल जो आपके बालों को झड़ना कम कर देगा, आपके बालों को जल्दी से जल्दी लंबा करेगा, आपके बालों को घना बनाएगा। बनाने में बहुत ही इजी है और जो भी इसमें जरूरत के सामान है वो आपको बहुत ही आसानी से घर में मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। और जिन पिछले बार जो मैंने ऑयल बताया था उसमें काफी सारी चीजें जो है ऐड करनी है। अगर आपके पास, मुझे पता है आपके बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी चीजें नहीं होंगी, और इस बार का इतना इजी है ना कि आपको बहुत ही आसानी से ये बनाने में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और सबसे कम समय में आपको सबसे ज्यादा फायदा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये ऑयल अप्लाई करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे प्रोटीन जो है ना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ना, हमारे बालों के लिए भी ज़रूरी होती है, हमारे लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के लिए ही प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है उसी वजह से हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाता है और हमारे बालों में भी हो जाता है, और इसी के वजह से जो है ना हमारा हेयर फॉल भी होने लगता है। हेयर फॉल के और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर लेना, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो फिर इसके लिए क्या है कि ना, आपको दिन में एक बार तो पक्का ऑयल से ना अपने बालों में मसाज करनी चाहिए, और अगर आप सोने से पहले करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है आपके बालों को जल्दी लंबा करने के लिए। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार भी करते हैं ना, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर नहीं टाइम है तो सिर्फ 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। इसको रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाएं और उसके बाद सो जाए। इसको लगाने के बाद कुछ समय तक इसे मसाज करनी है और उसके बाद सो सकते हैं आप। और अगर आपके पास रात में लगाने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप नहाने से पहले जब भी आप बाल धोते हैं, हफ्ते में 2 से 3 ही बार बताया गया है, तो फिर जब भी बाल, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हफ्ते में एक बार बाल धोते हो, 2 से 3 बार तो धोते ही होंगे, तो फिर आपको इसको बाल धोने से पहले 2 घंटे पहले अपने बालों पे लगा लेना है, उसके बाद धो लेना है। बहुत ही सिंपल है। और जब भी बाल धोए नेचुरल शैम्पू से धोए, और नेचुरल शैम्पू आप घर में भी बना सकते हैं। मैं ये बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि घर में शैम्पू कैसे बनाएं और नेचुरल कैसे बनाएं। इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है कोकोनट ऑयल। आप अगर और कोई दूसरा ऑयल लेना चाहते हैं या आप जो भी यूज करते हैं उसको भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी कोई ऑयल लें तो फिर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो नेचुरल हो, ताकि आपके बालों को अच्छी तरीके से फ़ायदा दे सके। एंड इसमें आप और भी कोई ऑयल मिलाना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह, वो भी मिला सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये लहसुन डाला है इसको हमने यहाँ पे पकाया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, इसको कम से कम 2 मिनट तक पकाना है। जब ये 2 मिनट तक पक जाएगा उसके बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए वेट करना है। ये इसको अगर आप वीक में 2 से 3 बार लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो ऑयल है रेडी हो गया है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ही अच्छा ऑयल है फ्रेंड्स। बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने में ये बहुत मदद करता है और जल्दी से आपके बालों को घना बनाता है। दोनों चीज़ें आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो फिर एक बार पक्का ट्राई कीजिए और कमेंट में आके बताइए कि ये रेमेडी कैसी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।